नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 एचडी। में हूँ आपके साथ गोपाल ठाकुर। आज हम आए हुए हैं राजीव अकेडमी में। यहाँ पर जो स्काउट गाइड है, स्काउट गाइड का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो सबसे पहले मैं साथी से गुजारिश करूँगा ये आपको दिखाएं स्काउट गाइड का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरी क्लास में। तो अभी हम आपको बताएंगे स्काउट गाइड क्या है और स्काउट गाइड का प्रोग्राम किस तरह होता है और इसमें क्या क्या बताया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर जो सर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार रावत है। जी मनोज कुमार रावत जी, जो स्काउट गार्ड का ये प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में बताएं, क्या है ये? ऐसा है, जो पैरामीटर्स होते हैं, नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के और अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, उसमें ये है कि स्काउट गाइड शिक्षा आजकल प्रत्येक के लिए अनिवार्य है। और यहाँ पर ये जो शिविर है ये बीएड के विद्यार्थियों का शिविर है जी। तो ये भावी शिक्षक बनने वाले हैं। जो स्काउट गाइड की शिक्षा है वो आगे जाके विद्यालयों में जो अनिवार्य शिक्षा है, तो वो इन बच्चों को, इन जो भावी शिक्षक हैं इनको जो शिक्षा उनको बच्चों को देनी है, तो इस वजह से ये शिविर कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें वही सारी बातें ध्वजारोहण से लेकर जो सेरेमनी होती है उससे लेकर गांठें बनाना, टेंट बनाना, हाइकिंग और जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की बेसिक जानकारी हम यहाँ पर आज इस शिविर के माध्यम से इनको देंगे। हाँ, जो अच्छा, आपके द्वारा शिविर है। अच्छा, आपके द्वारा क्या क्या जानकारी दी गई यहाँ पर बच्चों को? मैंने कल भी कई सत्र लिए थे और जिनमें बच्चों को ध्वज के बारे में बताया, ध्वजों के प्रकार और गांठें बनाना। तो सर ने यहाँ बच्चों को ध्वज के प्रकार, गांठें बनाना ये बताया। और हमारे साथ एक सर और जड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे स्काउट गाइड के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सोलंकी। अशोक कुमार सोलंकी जी, तो ये लीडर ट्रेनर हूँ जी, जनपद मथुरा जी। आपके द्वारा बच्चों को क्या क्या बताया गया यहाँ पर? देखिए, 21 तारीख से इस शिविर का विधिवत शुभारम्भ हुआ है और सर्वप्रथम बच्चों को ध्वज शिष्टाचार के बारे में बताया गया और प्रार्थना झंडा गीत के साथ शिविर प्रारंभ हुआ। उसके बाद में कक्षा का संचालन प्रारंभ हुआ, उसमें मेरे द्वारा बच्चों को प्राथमिक सहायता कैसे की जाती है उसके बारे में बच्चों को बताया गया। इसके अलावा नियम, प्रतिज्ञा, ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा बच्चों को समझाई गई। देखिए, ये भारतीय स्काउट गाइड हमारे देश में तो चल ही रहा है, लेकिन ये एक विश्वव्यापी संगठन है। पूरे विश्व में ये संगठन अपना कार्य करता है और विभिन्न क्रियाकलापों में बच्चों को इसके लाभ भी मिलते हैं जी। सर, इसमें किस तरह के कार्य होते हैं संगठन में आपके? इस संगठन में समाज सेवा से संबंधित अधिक कार्य होते हैं। समाज सेवा से संबंधित कार्य अधिक होते हैं, जैसे जल सेवा शिविर लगाना जी, या खोया पाया केंद्र, जहाँ पे बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं वहाँ पे स्काउट गाइड संस्था के द्वारा खोया पाया केंद्र भी लगाए जाते हैं जी। तो इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम यहाँ किस जगह चल रहा है और कितने इसमें कॉलेज हैं इसके बारे में? यहाँ पे ये राजीव एकेडमी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में स्काउट गाइड का बीएड का शिविर चल रहा है। इसमें और भी कॉलेज? इसमें दो कॉलेज हैं, इसी परिसर में दो कॉलेज चलते हैं। हाँ, इसी परिसर में चलते हैं। एक कॉलेज का नाम है RATE और एक का नाम है RATM। अच्छा सर, दोनों कॉलेज के कॉलेजों के संयुक्त रूप से 77 छात्र छात्राएँ ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 77 छात्र छात्राएँ यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जी। तो मैं अपने साथ ही कहूँगा, जो 77 छात्र छात्राएं सर ने बताई हैं उनकी तरफ कैमरा करके आपको थोड़ा सा दिखाएं। और ये जो मैम हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि मैम बच्चों को क्या बता रही हैं और क्या होता है। मैं अपने साथ ही कहूँगा, मेरे साथ बने रहें। तो आइए हम आगे तरफ चलते हैं। ये नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सारिका भाटिया है। सारिका भाटिया जी, तो मैम ये आपके द्वारा क्या बताया जा रहा है बच्चों को? मैं इस समय बच्चों को नॉटिंग बता रही हूँ, जो कि हमारे मतलब जीवन रक्षक कुछ नॉट हैं इसमें, और कुछ नॉट ऐसी हैं कि जो कि बच्चे टेंट वगैरह बनाते हैं उसमें प्रयोग की जाती है। हाँ जी। तो अब तक आपने कितने दिन से प्रोग्राम चल रहा है और कब तक रहेगा इसके बारे में? ये 2 दिन हो गए हैं इस प्रोग्राम को चलते, कल से शुरू हुआ था और सोमवार तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें हम बच्चों को अनेक गतिविधियों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से बच्चे स्काउटिंग से जुड़ सकते हैं और आगे इनको किस तरह से इन्हें जोड़ा जाएगा। स्काउटिंग के बच्चों को क्या फायदे होते हैं और ये क्या कर सकते हैं समाज के लिए? स्काउटिंग के बच्चों समाज सेवा के कार्य में भी चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट इन बच्चों को ये है, हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज हैं जैसे प्रवेश है स्काउट गाइड के लिए या रोवर रेंजर्स, इसमें कई रैंक होती हैं। सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो 3 से 5 साल के होते हैं, जो कि
टम टोला और कप कहलाते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे 5 से 10 साल के जो होते हैं उनको हम लोग कब और बुलबुल बोलते हैं। उसके बाद जो बच्चे इंटर कॉलेज में आ जाते हैं हम उनको स्काउट और गाइड बोलते हैं, और डिग्री कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको हम रोवर और रेंजर्स बोलते हैं। मैम आपने बताया स्काउट और गाइड, तो इनमें क्या अंतर होता है दोनों शब्दों में, इसके बारे में? स्काउट जो होते हैं वो लड़के होते हैं और गाइड जो होती हैं वो लड़कियाँ होती हैं। इन बच्चों का क्या है, ये कोर्सेज करते हैं, हर लेवल के अलग अलग कोर्सेज हैं। बच्चे पहले प्रवेश करते हैं, प्रवेश के 3 महीने के बाद बच्चों को हम लोग प्रथम सोपान कराते हैं, प्रथम सोपान के 6 महीने के बाद द्वितीय सोपान कराते हैं, जो कि हमारे जनपद से 3 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं बच्चों को। उसके बाद हम बच्चों को तृतीय सोपान जो कराते हैं वो हमारा पूरे जनपद का एक कैंप होता है। बाकी जो हमारे 3 सर्टिफिकेट हैं वो हम स्कूल वाइज करा सकते हैं, लेकिन जो तृतीय सोपान है वो पूरे जनपद का एक कैंप लगता है। उस जनपद के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो हमारे प्रदेश से आते हैं, और उस प्रदेश के सर्टिफिकेट के 5 नंबर होते हैं। उस 5 नंबर की इतनी वैल्यू है बच्चों को कि बच्चे रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट उनके जॉब लगती है। हमारे कई बच्चे उसमें लगे भी हैं रोडवेज में। और उसके बाद हम राज्यपाल अवार्ड का फॉर्म भरवाते हैं बच्चों को 9 महीने के बाद, जब बच्चा तृतीय सोपान कर लेता है। राज्यपाल अवार्ड के बाद भी उन बच्चों के 5 अंक प्राप्त हो जाते हैं। जब बच्चा राज्यपाल अवार्ड कर लेता है उसके 1 साल के बाद हम राष्ट्रपति अवार्ड का फॉर्म भरवाते हैं, जिसकी कि रेलवे में अलग से जॉब निकलती है स्काउट गाइड कोटे में, उसका बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो बच्चे राष्ट्रपति अवार्डेड होते हैं उनको रेलवे में हाफ कंसेशन भी दिया जाता है। उधर से को जैसा कि अभी हमने मैम से जाना, उन्होंने हमें स्काउट गाइड के बारे में पूरी जानकारी दी। अभी हम यहाँ पर जो मौजूद छात्र हैं उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने अब तक क्या सीखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक शर्मा है। विवेक शर्मा जी, अभी आप ये प्रोग्राम चल रहा है कब से चल रहा है? प्रोग्राम 21 तारीख से स्टार्ट हुआ, ये 25 अक्टूबर तक चलेगा। 25 अक्टूबर तक चलेगा, तो अभी तक आपको क्या सीखने को मिला इस प्रोग्राम? ये इसमें विभिन्न गतिविधियाँ सिखाई जा रही हैं, प्राथमिक उपचार, देश के प्रति समर्पित की भावना, समाज सेवा का भावना, अपने देश को प्रगति की ओर प्रगतिशील की पथ पर ले जाने की भावना आदि विभिन्न कार्यक्रमों के तौर पर सिखाया जा रहा है। यस। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया, और हमारे साथ एक मैडम और जुड़ी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा गौतम। राधा गौतम जी, तो अभी तक आपने क्या सीखा यहाँ से? मैंने अभी गांठे लगाना सीखा और देखा कि देश के प्रति है ना, इन लोगों ने हमारा नया नज़रिया बनाया, स्टार्ट किया कि हम देश के लिए और क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से हमारी ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति। तो गांठे बनाना मैम ने किस तरह से बताया, उसमें आपके को समझ आया? हाँ, थोड़ी बहुत समझ में आई क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, चलो आगे ट्राई करोगे तो आपको जरूर समझ आएगा। और भी यहाँ पर जी अभी आ जाएगा, बिल्कुल और भी यहाँ पर बहुत छात्र मौजूद हैं। तो दर्शकों, आप लोग हमारे साथ बने रहे, हमने आपको स्काउट गाइड शिविर के बारे में बताया। जैसा कि इस शिविर के मैडम और सर ने बताया कि बहुत ही फायदे होते हैं। तो आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म करते हैं। अपने साथी विष्णु सिसोदिया के साथ गोपाल ठाकुर मथुरा।